हेलो गाइस, टुडे आई विल शेयर यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर। मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर में आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जो शंट की आपकी होती है, शंट मोटर की, उसकी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझा चुकी हूँ, पर एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में तीन टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने, हमें टॉर्क वर्सेस आर्मेचर के बीच, स्पीड और आर्मेचर के बीच, स्पीड और टॉर्क के बीच। तो हमने जो बनाई थी शंट की, सबसे पहले शंट में बनाई थी टॉर्क और आर्मेचर के बीच। मैंने आपको टॉर्क का फॉर्मूला बताया था, टी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्लक्स अपॉन फ्लक्स में इनटू आर्मेचर। आपका टॉर्क इस पर डिपेंड करता है, फ्लक्स और आर्मेचर पर डिपेंड करता है। अब आपका जो आर्मेचर करंट अगर बढ़ेगा तो आपका टॉर्क भी बढ़ेगा। तो जो हम किसके बीच कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं, आर्मेचर करंट और टॉर्क के बीच। तो जब आर्मेचर करंट बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है धीरे धीरे इस तरह से, तो आपका टॉर्क भी तो बढ़ रहा है। तो यही है इसकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है, स्ट्रेट लाइन। कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है, स्ट्रेट लाइन। इस पॉइंट पर जब आपका ज़्यादा ये आर्मेचर बढ़ने लगता है तो क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन में, लॉक का आर्मेचर होता है उसमें आर्मेचर रिएक्शन होता है, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका जो ये स्ट्रेट लाइन है वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है और इस कांस्टेंट में चली जाती है। आपका फ्लक्स बढ़ने की वजह क्या होता है, कांस्टेंट में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्पीड हाई हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन होने लगते हैं। आर्मेचर रिएक्शन मींस आपका क्रॉस मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइजेशन होगा, आपकी फ्लक्स कम होगी। आपको पता होना चाहिए ये आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बना था शंट मोटर में, आपका शंट मोटर में बनाया था मैंने, ये आपकी शंट मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये किसके किसके बीच बना था, ये स्पीड और आर्मेचर के बीच बना था। किसके बीच बना था, स्पीड और आर्मेचर के बीच। अब इसमें आपका स्पीड और आर्मेचर का फॉर्मूला क्या आता है, एन इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बैक ईएमएफ अपॉन फ्लक्स। आपका यहाँ पे बैक ईएमएफ क्या है, वी शंट में क्या होता है, वी माइनस आई ए आर ए प्लस नहीं माइनस में ब्रश ड्रॉप, ठीक है, इतना होता है। पर जैसे अगर आपका ये बैक ईएमएफ कम होगा तो आपका स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। जब स्पीड आपकी कम होगी तो क्या होगा, यहाँ पे ड्रूपिंग इन नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी नो लोड है। शंट में कैसा रहता है करंट, नो लोड में हम स्टार्ट करते हैं मशीन को, तो आपका नो लोड से ये कॉन्स्टेंट लाइन है, नो लोड से क्या हो गया, कुछ ऐसी स्पीड आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, किससे, आर्मेचर से, तो कुछ इस तरह से, किसके कारण, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन के कारण, ठीक है। आपका ये बैक ईएमएफ कैसे घट रहा है, जब आपका जो ड्रॉप है आर्मेचर का वो ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे देखो ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, आपका क्या है, आर्मेचर करंट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका टोटल जो ये अमाउंट है वी के साथ जब इसका माइनस करेंगे तो वोल्टेज क्या होगा, कम हो जाएगा और आपका बैक ईएमएफ भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ड्रूपिंग नेचर आपकी क्या बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी। अब शंट मोटर की एप्लीकेशन, शंट मोटर की एप्लीकेशन क्या है, स्टील एंड एल्यूमिनियम रोलिंग मिल्स में इसका यूज़ होता है, लैथ मशीन में यूज़ होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में इसका यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेक्स्ट है आपका सीरीज के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर। किसके बीच है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर। अब डीसी सीरीज मोटर में अपन क्या करेंगे, इसके दो तीन पॉइंट समझ लेंगे। पहला, इसको हम कुछ अमाउंट ऑफ करंट में स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ करंट होना चाहिए, वो क्यों होना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपका बनेगा टॉर्क
वर्सेस आर्मेचर के बीच क्या बनेगा, ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक बनेगी, आर्मेचर के बीच कैरेक्टरिस्टिक बनेगी। अब इसमें देखिए आर्मेचर करंट आपका बहुत ज़्यादा रहता है, जो टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्लक्स अपॉन आई होता है। इसमें जो फ्लक्स होता है आपको पता है फ्लक्स इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर्मेचर के। तो टी इज़ यहाँ पे जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे आई ए आई ए तो क्या होगा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। जो आपका आर्मेचर करंट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम इसको मैंने कहा कुछ अमाउंट ऑफ करंट में स्टार्ट करते हैं, क्या कहा, कुछ अमाउंट ऑफ करंट में स्टार्ट करते हैं, तो इसको अगर हम ज़ीरो में स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर हम नो लोड पे स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, एट नो लोड कंडीशन, ठीक है। एट नो लोड हमें पता है एन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ई बी अपॉन फ्लक्स के। अब मैंने क्या कहा, नो लोड पर स्टार्ट करेंगे। अब नो लोड पे अगर फ्लक्स ज़ीरो रहेगा एन इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय ज़ीरो, तो वन बाय ज़ीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो आपका करंट कितना हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा, बिकम, जिसके कारण ये क्या होगा, मशीन के लिए डेंजरस होगा, बिकम डेंजरस। हाई इस वजह से हम क्या करते हैं, सीरीज जो आपकी मोटर होती है उसको नो लोड पर स्टार्ट नहीं करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ करंट पे स्टार्ट करते हैं। अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा, मैंने क्या बताया, इसका टॉर्क क्या होता है, आर्मेचर करंट ज़्यादा होता है, आई स्क्वायर हो गया। तो आपका जो टॉर्क और इसके बीच जो कैरेक्टर्स बनेगी कुछ ऐसी, ये टी है आपका, ये आपका क्या है, आर्मेचर, आपका क्या है, करंट बढ़ रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ करंट भी रहता है। तो यहाँ कुछ ऐसे जाएगा आपका, कुछ इस तरह से आपका ये बनेगा, ठीक है। ये कैसा है, पैराबोलिक नेचर का है, कैसा है आपका, पैराबोलिक नेचर है। अब ये जब करंट बढ़ रहा है तो कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। आफ्टर सैचुरेशन कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से, आफ्टर सैचुरेशन ये आपका कैसा है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक अप टू फील्ड पोल्स सैचुरेशन, ठीक है। आपका जो ये डायग्राम जो कैरेक्टरिस्टिक्स बन रही है कैसी नेचर की है, पैराबोलिक नेचर की, ठीक है, जो किसके बीच बन रही है, टॉर्क और आर्मेचर के बीच। नेक्स्ट है आपका स्पीड, जो आपकी स्पीड और आर्मेचर के बीच बनेगी, किसके बीच बनेगी, स्पीड और आर्मेचर के बीच वर्सेस आर्मेचर। अब स्पीड वर्सेस आर्मेचर के बीच जब बनेगी तो किस तरह से बनेगी, अब देखिए ये आपका एन, ये आपका आर्मेचर। मैंने क्या बताया था, एन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ई बी अपॉन फ्लक्स के। अब जो इसमें सीरीज में जो ई बी की इक्वेशन होती है वो कैसी थी, वी माइनस आई ए आर ए अपॉन फ्लक्स, इसमें क्या होगा, जब आपका आर्मेचर अगर कम होगा तो आपका क्या होगा, स्पीड में जो वोल्टेज होगा, टोटल वोल्टेज वो बढ़ेगा तो स्पीड भी आपकी बढ़ेगी। पर अगर जब आपका आई स्क्वायर आर ड्रॉप कम होंगे, मतलब ज़्यादा होंगे, तो आपका ये इस वोल्टेज कैसा होगा, डाउन होगा। तो इस वजह से इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है कुछ इस तरह से रहता है, कैसा होता है ये, डाउन सिचुएशन में। क्यों, क्योंकि है ना यहाँ पे जब आपका एक टाइम पे आर्मेचर रिएक्शन क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, इस वजह से आपका स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी। मैंने आपको यहाँ शो किया था आपकी स्पीड कैसी होती है, बहुत बिकम डेंजरसली हाई चली जाती है। तो ये इस वजह से कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ तरह ऐसे बनेगा। नेक्स्ट आपके जो इसके एप्लीकेशंस हैं,
applications of DC series motor. इसका सबसे पहला है always start at low. क्या है? always start at load. कुछ load पर ये work करेगा 10 to 20% of rated load. सेकेंड, ये किसकी किसके लिए यूज़ होता है? पहला तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के लिए. दूसरा क्रेन्स में यूज़ होता है. तीसरा जो आपका है हाइट्स में यूज़ होता है. और तीसरी एप्लीकेशन है आपकी, जो इसका टॉर्क होता है वो कैसा होता है? हाई होता है. ये आपका दिख रहा है टॉर्क कैसा है? हाई होता है. वेयर स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट इज हाई. ठीक है. नेक्स्ट, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर के बीच बनेगा. इसके बीच बनेगा कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर. कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर. अब इसमें आपकी जो टॉर्क इक्वेशन है वो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्लक्स आर्मेचर करंट के. टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स और आर्मेचर करंट पे. यहाँ पे जो कम्युलेटिव कंपाउंड पे जो फ्लक्स होता है वो कैसा होता है? टी इज प्रोपोर्शनल आई एस एच प्लस आई एस सी होता है. तो ये जो फ्लक्स होता है इसमें क्या होता है, आपका अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो आर्मेचर करंट भी बढ़ेगा और टॉर्क भी आपका बढ़ेगा. मतलब इसमें जो है शंट से आपको ज़्यादा अच्छा टॉर्क मिलता है. शंट में आपको टॉर्क स्ट्रेट लीनियर बन रहा था. मतलब कैसा बन रहा था? टॉर्क इनके बीच में बन रहा था. कैसा? आर्मेचर हो गया कुछ इस तरह से आपको टॉर्क मिल रहा था. कैसा? शंट में. और कम्युलेटिव कंपाउंड में कुछ आपको ज़्यादा अच्छा, इससे अच्छा मिल रहा है. तो यही इसका एडवांटेज है. और ये सबसे ज़्यादा यूज़ इसलिए की जाती है क्योंकि इसका जो आपका टॉर्क है हमें बहुत अच्छा मिलता है. इसका टॉर्क है कैसा है? हमें बहुत अच्छा मिलता है. ठीक है. ये टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फ्लक्स डिपेंड करता है फ्लक्स और आर्मेचर पे. जो टॉर्क है आपका वो कम्युलेटिव कंपाउंड में फ्लक्स कैसा होता है? फ्लक्स मतलब शंट का होता है और एक फ्लक्स सीरीज का होता है, ऐड होता है इसमें कम्युलेटिव कंपाउंड में. तो आपका जब ये ऐड होगा तो आपका ऑब्वियसली सी बात है आर्मेचर करंट फ्लक्स ज़्यादा रहेगा तो टॉर्क भी आपका ज़्यादा रहेगा. किससे? शंट से. और ये इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मशीन आपकी. दूसरा है आपका स्पीड वर्सेस आर्मेचर के बीच. स्पीड वर्सेस आर्मेचर के बीच जैसे शंट में बना था आपको ड्रुपिंग इन नेचर मिला था, वैसे इसमें भी मिलेगा. बट इसमें जो रहेगा शंट से ज़्यादा लो स्पीड रहेगी. क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स आपका ऐड हो रहा है. तो इसमें क्या है, सीरीज़ आपकी जो सीरीज़ भी रहता है, सीरीज़ में भी आर्मेचर ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से आर्मेचर ड्रॉप आपका ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपका टोटल वोल्टेज कम होगा और स्पीड आपकी क्या होगी, कम होगी. देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, एन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी सॉरी ई बी अपॉन फ्लक्स. अब इसमें ई बी में अगर हम इक्वेशन पुट करें माइनस आई ए आर ए, माइनस क्या होता है आई ए आर एस सी. अब आर एस सी भी है और आर ए भी है. तो जब ये टोटल आर्मेचर ड्रॉप ज़्यादा होगा तो आपका ऑब्वियसली सी बात है
स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो यही है, शंट से स्पीड ज़्यादा कम रहती है कम्युनिटी कंपाउंड की। टॉर सॉरी स्पीड और आर्मेचर के बीच का है। नेक्स्ट आपका जो इसके यूजेज हैं, ये यूज होता है आपकी एप्लीकेशन, इसमें होता है इंटरमिटेंट लोड। ये लोड कौन सा होता है, जिसमें जो लोड फॉर सेम टाइम एंड नो लोड फॉर सेम टाइम, दोनों टाइम क्या होता है, सेम होता है। लोड के लिए भी सेम रहता है, फॉर सेम टाइम एंड नो लोड फॉर सेम टाइम, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है, इंटरमिटेंट मेथड के लिए। थर्ड है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मेथड। कौन सी है, डिफरेंशियल कंपाउंड मेथड। अब जो डिफरेंशियल कंपाउंड मेथड है, इसमें कौन सी आपकी थर्ड डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, जो इसमें क्या होता है, आपको जो फ्लक्स मिलता है, टॉर्क किसके प्रोपोर्शन होता है, फ्लक्स और आर्मेचर पर डिपेंड करता है। इसमें जो फ्लक्स आपको मिलता है वो कैसा मिलता है, फाई एस एच माइनस फाई एस सी। आपका जो सीरीज फील्ड है वो किसका अपोज करती है, शंट फ्लक्स का अपोज करती है, इस वजह से नेगेटिव में रहता है। तो जब ये नेगेटिव में रहेगा तो आपका सीरीज फ्लक्स, अगर फ्लक्स क्या होगा आपका बढ़ेगा, ऑब्वियसली सी बात है, फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, टॉर्क कम होगा। क्यों, क्योंकि अगर आपका सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा तो ये इससे माइनस होगा, जब इससे माइनस होगा तो अपनी जो अमाउंट जो आपकी वैल्यू है वो भी कम होगी, तो आपका टॉर्क क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जब आपका टॉर्क कम होगा तो कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी, पहले तो ये बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि आपका सीरीज है, पहले बढ़ रहा है सीरीज और शंट की वजह से आर्मेचर के पीछे। आपका क्या है, पहले टॉर्क क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर एक टाइम पे क्या होगा, धीरे धीरे ये लो होता जाएगा, किसकी वजह से, अपोजिशन अपोज करने की वजह से। आपका क्या है, फ्लक्स अपोज करता है शंट फ्लक्स को, सीरीज फ्लक्स अपोज करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, जिसके कि टॉर्क आपका कैसा होगा, कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें ऐसा बनेगा। नेक्स्ट है आपका स्पीड एंड आर्मेचर के बीच टॉर्क। स्पीड और आर्मेचर, अब जो स्पीड और आर्मेचर के बीच टॉर्क बनेगा वो कैसा रहेगा, इसमें करंट क्या होगा, हाई रहेगा। क्यों हाई रहेगा, क्योंकि जो आपका फ्लक्स है वो अगर लो रहेगा तो आपका करंट हाई रहेगा, क्योंकि एन इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है फ्लक्स के। अब ये जो फ्लक्स है आपका क्या होता है, फाई एस एच माइनस फाई एस सी, जब इससे होगा तो ये आपका ये बढ़ेगा, सीरीज फ्लक्स तो बढ़ेगा, पर जब इससे माइनस होगा तो ये कम होगा। जब फ्लक्स आपका कम होगा तो ऑब्वियसली सी बात है स्पीड आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, पर जो स्पीड बढ़ेगी वो कैसी होगी, नेगेटिव साइड में बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो ये जो आपका सीरीज फ्लक्स है वो शंट फ्लक्स का अपोज करता है, जिसके कारण कि नेगेटिव में क्या बनाता है, ये कुछ इस तरह से बनाया गया आपकी, ये आपका डिफरेंशियल है। ठीक है, ये डिफरेंशियल की है, नेगेटिव में बनेगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव रेगुलेशन होता है। ये रहता है
ये नेगेटिव है, इस वजह से ये नेगेटिव साइड बन रहा है। अब मैं आपको टोटल जो हमने स्पीड और आर्मेचर के बीच कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई हूँ मैं आपको शो करके बताती हूँ। स्पीड और किसके बनाई हमने, आर्मेचर के बीच में। तो पहली हमने कौन सी बनाई थी, शंट। शंट में आपकी कैसी बनी थी, नो लोड में कुछ इस तरह से आपका करंट क्या हो रहा था, कम हो रहा था, ये शंट। और आपको जो लूपिंग नेचर बन रही थी, जो फिर आपका कौन सी बन रही थी, एक आपकी बन रही थी सीरीज़ की। सीरीज़ की कैसी बनी थी आपकी, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से आपकी बनी थी। थर्ड आपकी कौन सी बनी थी, मैंने कम्युलेटिव कंपाउंड की बनाई थी। कम्युलेटिव कंपाउंड की कैसी बनी थी, आपका स्पीड कैसा हो रहा था, लो हो रहा था, ठीक है, कम्युलेटिव। थर्ड जो आप फोर्थ हमारी डिफरेंशियल जो हमने अभी बनाई स्पीड और आर्मेचर के बीच, तो कुछ इस तरह से बनी। तो टोटल आपकी डिफरेंशियल जो स्पीड के बीच कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है। अगर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई हो और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू।